यारों का टशन है। ए मेरे सैया, मेरे रांझना, छोड़ दे झाड़ू ये पोछा, बेदर्द मदारी तूने कभी क्यों नहीं सोचा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, वाह वाह, रिमझिम बरसता सावन होगा। यार डॉली मुझे मेरा काम करने देना, क्यों परेशान कर रही है? यहाँ मैं मोहब्बत की मारी, बेचारी, दुखियारी, तेरे लिए गाना चाहती हूँ। रंग दे मुझे तू गेरुआ, लेकिन ये ऐसे बेरुखे दिखाता रहा ना तो मुझे गाना पड़ेगा। मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, मेरे सैया जी से। अरे यार देखना यारो, ये अपने रोमांस के लिफाफे इसके सामने खोल रही है और ये कि इसके प्यार को समझता ही नहीं है। प्रेम प्रेम। हाँ यारो। डॉली लव्स यू। अरे यार यारो, अब तू भी शुरू हो गया। ये लो चॉकलेट। वाह। और लो चॉकलेट। चॉकलेट कोई बात नहीं, यारो के पास और भी है। अरे पर यारो, तू ये चॉकलेट बांट क्यों रहा है? यारो के पास बहुत सारी चॉकलेट्स हैं और यारो तुमको इसलिए बांट रहा है क्योंकि यारो खुद नहीं खा सकता, तो यारो के हिस्से की चॉकलेट तुम लोग खा लो। ओके। पापा पापा। यारो कहां पर है तू? तुरंत घर पे आ। तुरंत? ओके पापा। जल्दी। पापा ने तुरंत बुलाया है। अग्रवाल जी काफी टेंशन में लग रहे थे ना, बहुत गुस्से में बात कर रहे थे, तो देखते क्या हुआ। पापा यारो आ गया। यारो ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने चतुर्वेदी साहब का स्कूटर भंगार वाले को बेच दिया? हाँ पापा, पिक तो नहीं रहा था लेकिन फिर भी यारो ने बेच दिया। ना आप लोगों ने? एक मिनट चतुर्वेदी जी, मैं कर करके बात करती हूँ ना, आप शांत हो जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ठीक है भाभी जी। यारो बेटा, ऐसे कर करके कौन करता है? क्यों बेच बेच के बेच दिया उनका स्कूटर? मम्मी टॉली ने कहा था चतुर्वेदी अंकल का स्कूटर 1000 रुपीज में बेच दो और उसमें थोड़े और पैसे मिला के बच्चों को चॉकलेट बांट देंगे, तो यारो ने वैसा ही किया, चतुर्वेदी अंकल का स्कूटर बेच दिया। और चतुर्वेदी अंकल ने भी कहा था बेच दो। मैंने कहा था? अरे तो पागल है क्या? मैं ऐसे कह रही थी गुस्से में। यारो गुस्से में कहा था डॉली ने, लेकिन यारो को लगा सच्ची में कहा था, ऐसा ही लगा मम्मी। लेकिन डॉली यारो कभी झूठ नहीं बोलता, यारो को लगा तुम भी सच बोल रही हो इसलिए बेच दिया। चुप, बंद कर अपनी ये बकवास। बताओ आज हमारे प्यारे स्कूटर का हैप्पी बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारा स्कूटर है नहीं, हैप्पी बर्थडे कर रहे हो तुम लोग। अरे बताओ उसके जन्म के दिन तुमने उसे भंगार में बेच दिया। अरे हम तुम्हारी ठोकर देंगे। चतुर्वेदी जी। भाभी जी प्लीज प्लीज, भाभी जी आज कुछ नहीं। भाभी जी आज जो पानी है ना वो स्कूटर से ऊपर निकल गया। भाभी जी एक बार मुझे भंगार में बेच देता ना, कोई नहीं लेता। जब अगर एक बार ही हमको भंगार में बेच देता तब भी हम इसको माफ कर देते, भाभी जी हम इसको माफ नहीं करेंगे क्योंकि इसने हमारे प्यारे स्कूटर को भंगार में बेचा है। हम आज इसको चतुर्वेदी साहब बच्चा है, देखिए मेरा बच्चा है, वैसे ही आपका बच्चा है, कमाल कर रहे हैं। नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए ऐसा बच्चा। अच्छा ठीक है, लेकिन क्या हुआ बच्चे से थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है? हाँ। नहीं नहीं हमको कोई कंफ्यूजन नहीं है अग्रवाल साहब, पौड़म ने हमेशा हमारे साथ हरकत की है और हमने इसको माफ किया है, लेकिन अब नहीं। कितनी बार इसने हमारी ठोकी है लेकिन अब हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, मार तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते इसको हम। हाँ चतुर्वेदी जी चप्पल चप्पल प्लीज चप्पल तो उतारिए कम से कम। सॉरी ठीक है भाभी जी, मैं
मैं चतुर्वेदी चिंतामणि भाभी जी को साक्षी मानते हुए ये कसम लेता हूँ कि जब तक हमारा ये स्कूटर ये लोमर यहाँ लाके नहीं देता है तब तक हम इसी घर में रहेंगे और धरना देंगे और वो भी एकदम ठो। तो आप एक काम कीजिए वहाँ साइड में जाके लेटिए। हाँ ठीक है। ए बकवास मत करो, हम यहीं बैठेंगे। चल। ए लोमर, खड़ा क्या है? जा भंगार से स्कूटर लेके आ। तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। लेकिन यारो को पता ही नहीं है चतुर्वेदी अंकल कि भंगार वाले की शॉप कहाँ पे है। अच्छा, बड़ा मासूम बन रहा है, हमको नहीं पता है। सुन, स्कूटर लेके आ। ठीक है ठीक है यारो, तू टेंशन मत ले, हम लोग सब जाते हैं और देखते हैं वो भंगार वाले की शॉप कहाँ पे है, ढूंढते हैं। और क्या है, जा ले क्या जाके जा रहे हैं ना। ए! नाइट्रोजन से लेके हाइड्रोजन तक अग्रवाल साहब, अरे हम कोई भूख भूख हड़ताल नहीं कर रहे हैं। तो जाओ समोसा चाय भिजवाओ, जाके जाओ फटाफट भिजवाओ, समझे ना। जाओ। हाँ देखते हैं क्या, नहीं तो मंगाते हैं बाहर से आपके लिए। जॉनी जॉनी। यस बाबा। ओल्ड स्कूटर। यस पापा। अरे बेची नहीं है भाई। ओ भाई बाबा, ब्लैक शिप, हैव यू एनी फूल? यस सर, 3 बैग्स फूल। सर, 1960। स्कूटर में इंजन है, 1960 का। सर, बिल्कुल एंटिक पीस है, बिल्कुल एंटिक। स्कूटर को उठा लो। जल्दी डालो यार, चलवा रहा हूँ सर। ट्विंकल ट्विंकल, हा हा हा, पूरे पैसे ले। अरे यार यारो, इस शहर में कितने कबाड़ी वाले, हमें कैसे पता चलेगा कि वो भंगार वाला कहाँ है? यारो अपने जीपीआरएस सिस्टम में देखेगा कि यहाँ आसपास कौन से भंगार वाले हैं। सर्च भंगार वाला नियर मी अराउंड मी। सर मिल गया। कहाँ? उस तरफ। कैसे हैं, पहचाना? ये भगवान, ये तो वही लड़का है जिसने मुझे स्कूटर बेचा था। अरे कहीं स्कूटर वापस मांगने तो नहीं आ गया? चलो देखते। अरे जी जी, आप कौन है? मैंने आपको नहीं पहचाना। मैं यारो हूँ और ये यारों के यार हैं। यारो, अरे आप हमारे यार कब से होने लग गए? अरे भैया हम आपको नहीं पहचानते। लगता है इनका मेमोरी कार्ड करप्ट हो गया है। आपको यारो ने एक स्कूटर बेचा था, वो भी 1000 रुपए में। हाँ? उस 1000 रुपीज की बच्चों ने टॉफी खा ली। ने टॉफी खा ली? हम बच्चों ने। अब स्कूटर? अरे भैया कौन सा स्कूटर, कैसा स्कूटर, हमको नहीं पता। करते हो पांडे जी, इतनी जल्दी भूल गए हैं? स्कूटर कहाँ है जल्दी बताओ।
वरना हम तुम्हारी बॉडी में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि कहां से बोले और कहां से चीखें। मैडम हमको सच में नहीं पता कि स्कूटर कहां है। नहीं पता? नहीं नहीं पता? इसको तो सच में नहीं पता यार। प्लान बी अमर प्रेम। अरे नहीं 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 तो हमने बेच दिया। बेचा तो यारो ने था, आपने तो खरीदा था। आपने एक बार फिर बेच दिया। नहीं लेकिन किसे बेच दिया? वो एक सेठ जी थे और वो आए और उन्होंने स्कूटर खरीद लिया। आप बोल रहे थे 1960 का स्कूटर है इसलिए खरीद रहा हूँ। तो चतुर्वेदी अंकल का स्कूटर 56 साल पुराना है और अब तक चल रहा है यार। चलता नहीं, वो तो कभी कभी उड़ता भी था। लेकिन वो सेठ जी का कैसे पता चलेगा कौन थे वो, कहां ले गए भंगार वाला स्कूटर? ना आता ना पता, स्कूटर कहां चला गया, कौन लेकर चला गया, अब हम ढूंढेंगे कैसे हमारा स्कूटर? अगर हम लोग को जल्दी से नहीं मिला ना वो स्कूटर, तो चतुर्वेदी चिंतामणि जो घर पे धरना दिए बैठे हुए हैं और रायता फैला देंगे वो भी एकदम ठो। भाभी जी। जी चतुर्वेदी जी। अरे क्या हुआ भाभी जी, आप हलवा बना रही थी। चतुर्वेदी जी हलवा है हलवा, बन बन के बनने में टाइम लगता है थोड़ा सा। अरे भाभी जी, अरे जल्दी कीजिए ना, भाभी जी भूख लग रही है। अच्छा और ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको इतने सारे पकौड़े खिलाए थे, वो जा के कहां चले गए? अरे तो क्या हुआ भाभी जी, अरे हम भूख हड़ताल पे थोड़े बैठे हैं, अरे हम तो धरने में बैठे हुए हैं। और क्या है ना कि टेंशन के मारे वैसे भी ना हमको बहुत भूख लगती है। अरे जल्दी लाइए, हम पेट भर के खाएंगे भाई। चतुर्वेदी जी। हाँ जी। आप मेरी लैब में गए थे? हाँ तो गया था। क्यों गए थे? क्यों, आपके लैब में जाने में टिकट लगता है क्या? टिकट तो लगना चाहिए आप पर, ताकि बच्चे टिकट लें और आपको देखें, क्योंकि आप जू में रखने की चीज हैं, जू के बाहर नहीं, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। देखिए अग्रवाल साहब, आपसे ज्यादा आप मत करिए, आंखें मत दिखाइए आप हमको। हाँ अरे आंखें क्यों ना दिखाऊं आपको, आपने मेरे सामान के साथ छेड़छाड़ क्यों की? अरे वो आपका भंगार सामान। अच्छा चलो ठीक है भाई, हमने अगर आपके उस भंगार सामान में हमने थोड़ा बहुत छेड़छाड़ कर दिया, थोड़ा हम उसके साथ खेल लिए, तो आपके सीने में सांप को लौटने लगा? खेलने का सामान नहीं है बॉडम चतुर्वेदी जी, वो मेरा साइंस का सामान है। अरे मैग ने एक्सपेरिमेंट करने वाला था, आपने मेरे सारे काम पर पानी फेर दिया। अच्छा और जो आपके उस लोमल लड़के ने हमारे स्कूटर का बंटा धार कर दिया उसका क्या? चतुर्वेदी साहब, एक बार आपका स्कूटर आ गया ना, उसके बाद आप यहाँ पर मेरे घर में दिखाई नहीं देने चाहिए, समझे आप? हाँ ठीक है भाई, जो आप खा रहे हैं ना आलू पूरी हलवा पकौड़े, इसका मैं बिल भेजूंगा आपको। बिल भेजने से क्या होता है, भुगतान भी तो होना चाहिए। मिल गया। क्या? क्या? नहीं सीसीटीवी। लेकिन सीसीटीवी का क्या करेंगे? सीसीटीवी की फुटेज अपने अंदर ट्रांसफर करूंगा, उसके बाद पापा को जाके कहूंगा पापा देख के बताइए किसने खरीदा भंगार वाला स्कूटर। हाँ। Yes. चलो पापा के पास चलो। भाई भाभी जी आपने क्या हलवा बनाया एकदम तो। भाभी जी क्या ना कि हमको जो खाने का बड़ा शौक,
हाँ, अगर खाना अच्छा बन जाए तो उसकी तारीफ करने का भी हमको बहुत शौक, एकदम हो। क्या है अलवा बलवा की तरह जो टिकटिकी मार के देख रहे हो, आ तुम भी खा लो आके हलवा। आप अपना मुंह बंद रखिए और चुपचाप हलवा खाइए, समझे आप? अब मुंह बंद करके हम हलवा कैसे खा सकते हैं? देखा भाभी जी, देखा आपने, आपके हाथ के बने हुए हलवे का इनको बिल्कुल कदर ही नहीं। और आप दोनों को देख के ना हमको एक शेर याद आता है कि अजब तेरी कुदरत, अजब तेरा खेल, चुचुंदर के सर पर चमेली का तेल। भाभी जी। जी चतुर्वेदी जी। भाभी जी क्या है ना, ये हलवा तो हमने खा लिया, अब हलवा को पचाने के लिए ना एक हमको ना कुछ गरम गरम बढ़िया दूध, उसमें ना कतर कतर के ना बादाम, और उसके बाद केसर, ये तो खाते होंगे ना, और उसके बाद भाभी जी तो चम्मच शक्कर खूब फेंट के। हाय भाभी जी, जब हम वो दूध पिएंगे ना गटर गटर करके, आप समझ लीजिए हमारी जो तबीयत है ना बिल्कुल लल्लन टॉप लॉलीपॉप हो जाएगी एकदम। चतुर्वेदी जी, इतना सारा हलवा खाने के बाद अब आप वो बादाम वाला दूध भी पी पी के पिएंगे? अब भाभी जी हमने आपसे कहा था ना कि जब हम बहुत टेंशन में होते हैं ना भाभी जी, तो हमको ना भूख बहुत ज्यादा लग जाती है। पापा, अरे अरे भाई आ गए आ गए, अरे हमारा स्कूटर आ गया होगा। अरे जान दो शांति होगी। क्या हुआ, स्कूटर मिला क्या? पापा, यारो ने जिस भंगार वाले को वो भंगार स्कूटर बेचा था, उसने वो किसी और को बेच दिया। हे भगवान, अब होगी क्या होगा? जिसको बेच बेच के स्कूटर बेचा है, उसका नाम पता कुछ पूछा? बीना जी, वो तो बेनाम है। ए, चुप कर यार, फिल्मी कीड़ा कहीं की। बीना जी, उस भंगार वाले को भी नहीं पता कि वो कौन था। लेकिन अंकल, यारों ने वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरा का फुटेज अपने अंदर ट्रांसफर कर लिया है, कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिली जाएगी। एक काम करेंगे, हम उस पूरी इन्फॉर्मेशन को एक वॉल पे प्रोजेक्ट करते हैं, शायद कुछ क्लू मिल जाए। हाँ पापा। यारो आओ मेरे साथ लैब। ओके। हमारा स्कूटर, ए, 87.5। अरे हमारा स्कूटर नीचे नहीं खड़ा है। ए डल्ले, तू भी तीन लोगों के साथ गई थी ना, कहाँ है हमारा स्कूटर? बोल नहीं तो हूँ। वो यारो ने जिस भंगार वाले को भेजा था, उस भंगार वाले ने किसी और को बेच दिया। क्या? हमारा स्कूटर? अरे हमारे ससुर की आखिरी निशानी थी भाभी जी, हमारा जान से प्यारा स्कूटर कोई और खरीद ले गया। ए बताओ वो कौन है? अरे हम उसके ठोकर के रहेंगे। अरे बाबा, वही तो पता लगाना है हमें, जैसे ही पता चलेगा ना सबसे पहले भी प्रॉमिस आपको ही बताएंगे। हाँ? क्या? तुम लोगों को पता नहीं है? चतुर्वेदी जी। भाभी जी। अरे थूक थूक के थूक दीजिए ना गुस्सा, प्लीज। आप ऐसे टेंशन में ना मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। भाभी जी, आप कहें और हम ना माने, ऐसा कभी हुआ है? नहीं ना। चुप रहो ना तुम लोग, बकवास करते हो। लीजिए, हमने गुस्सा फूंक दिया, लेकिन हमारा स्कूटर मिल जाएगा। चतुर्वेदी जी, किसका स्कूटर है? हमारा। तो बस कहाँ जाएगा, आके वापस आप ही के पास आएगा ना। और देखिए, सबके सब बच्चे लगे हुए आपका स्कूटर ढूंढने में। अरे मिल मिल के मिल जाएगा आपका स्कूटर। अरे आप वहाँ बैठ के क्या कह रहे थे चतुर्वेदी जी, आपको वो क्या चाहिए था? गर्मा गर्म दूध। तो चलिए ना, मैं आपका दूध बना देती हूँ वहाँ पे, आपके टेस्ट के हिसाब से बनाती हूँ ना, कितनी शक्कर कितना केसर ये सब आप मुझे बता दीजिएगा। हमारा स्कूटर मिल जाएगा। मिल जाएगा। अरे सुनो सुनो। हाँ? तुम सब लोग इस पागल को संभालो, मैं यारो को लेकर लैब में जा रहा हूँ। आओ यारो। बेटा ऐसे तो कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है कि ये लोग कौन है, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक,
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.